श्रीलंका की हालत काफी खराब है, क्योंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और हर तरफ लूटपाट मची हुई है। लोग भूख से बेहाल हैं और मर रहे हैं। इसी बीच श्रीलंका को लेकर कई लोग कुछ कहने लगे और उनका कहना है कि श्रीलंका को इस हालत में लाने का पूरा श्रेय राजपक्षे परिवार को है, जिसने पूरे श्रीलंका को इस स्थिति में लाकर रख दिया। इसी बीच भारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार पर संकट मंडराने लगा है। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। वहीं विपक्ष ने भी राजपक्षे के सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस बीच श्रीलंका की संसद में पूरे संकट को लेकर चर्चा के दौरान 40 सांसदों ने सत्ता पक्ष से अलग बैठने का ऐलान कर दिया। संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहे और विपक्ष संसद में मतदान कराने पर जोर दे रहा है। श्रीलंका के पूर्व मंत्री विमल वीरावंसा ने ऐलान किया कि 17 सांसदों ने संसद में अलग ग्रुप बना लिया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना ने भी कहा है कि 16 सांसद अलग बैठेंगे। इन सांसदों ने अपने फैसले की संसद के वर्तमान सत्र के दौरान घोषणा की। इस बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन संसद में 113 सीटों वाली किसी भी पार्टी को सरकार सौंपने के लिए तैयार है। डेली मिरर अखबार की माने तो सोमवार को राजपक्षे ने देश भर में सार्वजनिक विरोध के बीच कई राजनीतिक बैठकें जारी की। राष्ट्रपति की श्रीलंका पोदुजाना पेराम्बुना SLPP अब अपनी 113 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही, ताकि वो साधारण बहुमत के साथ भी सरकार में बनी रह सके, जबकि महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस बीच SLPP के मुख्य गठबंधन सहयोगी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने घोषणा की है कि सभी 14 सांसद सरकार छोड़ देंगे। आपको जानकारी होगी कि महिंदा राजपक्षे की सरकार ने तमिल विद्रोही टाइगर्स के खिलाफ युद्ध को खत्म किया था। 26 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने में गोटाबाया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 69 लाख मतों के साथ राष्ट्रपति चुना गया। डॉलर के भंडार की कमी और श्रीलंकाई पैसे के नीचे जाने से आर्थिक संकट सामने आ गया, जिससे ईंधन, LPG गैस, बिजली और आवश्यक भोजन की भारी कमी हो गई और लोग राजपक्षे से तुरंत सत्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और श्रीलंकाई जनता को भूख से राहत कब मिलती।